नमस्कार दोस्तों अक्षरा वॉइस के प्रकृति के रहस्य में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं प्रकृति के रहस्य शो में हम प्रकृति के विभिन्न मुद्दों पे बात करते हैं उनसे उनका रहस्य निकालते हैं आज हम बात करेंगे साधना के बारे में कि साधना कैसे करनी चाहिए कौन सी उम्र में करनी चाहिए और कितने लेवल तक करना चाहिए तो उसके लिए हमारे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे लाइव कोच श्री सौरभ मिश्रा जी सर नमस्कार नमस्कार तो सर पहला सवाल मेरा यह होगा कि सर्वश्रेष्ठ साधना किसे आपका प्रश्न सर्वश्रेष्ठ साधना पे है पहले साधना के बारे में बताने क्या है, है। जी। जब मनुष्य अपने विवेक से निर्णय करने लायक होता है सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि 24-25 वर्ष की उम्र का हो गया तब उसको ये दिखना चालू होता है कि हमें कुछ करना है अपने कमाने के लिए तो वो समाज में प्रयास करना शुरू करता है जब वो पैसे कमाने के रास्ते पे बढ़ता है तो उसे तरह तरह की परेशानियाँ जो चीज जो विषय उसे लगता है कि शायद बड़ी आसानी से हम कमा सकते हैं वो भी नहीं होता है नहीं। तब उसको लगता है कि कुछ और ताकत लगानी पड़ेगी उस कुछ और की तलाश में वो कुछ सफल लोगों को देखता है कुछ ऐसी जगहों पे जाता है जहाँ पे पैसे का आवागमन बहुत है उसे बताया जाएगा मंदिर में जाओ मज़ार में जाओ गिरजा घर में जाओ तो वहाँ भी जाएगा सब तरफ वो भटकना शुरू करता है साधना का सही अर्थ धीरे 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 फिर उसे समझ आता है हमारे साधना के दो ही मार्ग हैं या तो कर्म मार्ग से आप चलें या ज्ञान मार्ग से चलें तो कर्म साधना के जो लोग होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि हम समाज में कुछ करें यही मेरी साधना है जैसे और प्रथम वर्ष जो बीतता है उसमें भटकाव बहुत होता है बार बार लगेगा की यार गणेश जी की पूजा शुरू की है ठीक है कि नहीं ठीक है हम तो साई बाबा की पूजा करनी चाहिए क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि उसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए वो एटीएम का आदि हो गया हाँ। कार्ड लगाओ पैसा निकले नहीं निकला तो एटीएम टी खराब है तो वास्तविकता क्या है साधना किसी भी विषय में लगातार लगे रहने का नाम है कि अगर हमने गणेश जी की पूजा शुरू की है, करते रहिए आप एकाग्रता लाते रहिए गणेश जी के मंदिर जाते रहिए दो महीने चार महीने छः महीने साल भर उसके बाद कुछ आपको बेहतर दिखने लगेगा फिर कुछ और बेहतर दिखने लगेगा जी। जैसे बीज से पौधा बनने के लिए एक निश्चित समय चाहिए आप ये नहीं कर सकते कि बीज को आज हमने डाला और कल खोद के देखें कि पौधा बना तो ये भटकाव पहले साल पूरा परेशान करता है जो हम बोलते हैं कि एक वर्ष बाद आपका स्थान स्थिर होगा मतलब भटकाव समाप्त हो तो जैसे ही आपका भटकाव समाप्त हुआ अब आप स्ट्रीम लाइन है इस स्ट्रीम लाइन में जब आप चलना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि पत्तियों में अंकुरण मतलब साधना में अंकुरण चालू होगा फिर आपको वो ईश्वर ही अच्छा लगने लगेगा हाँ। गणेश जी की कर रहे हैं आप पूजा तो वही अच्छे लगने लगेंगे और तीसरे वर्ष के बाद से पाँचवें वर्ष के बीच में फिर आपको गति मिल जाना गति मिल जाना का मतलब फिर आप जो लक्ष्य ले चल रहे हैं वो लक्ष्य आपके बढ़ने हुँ। लगेंगे हुँ। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी में सफलता मिलना शुरू हो चुकी होगी तीसरे वर्ष के बाद ये सब प्रारंभ हो जाता है आप अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में उसी के अनुरूप लाभ होने लगेगा पाँचवें वर्ष में आके आपको स्थिरता वहाँ भी मिल गई अब तब उसको लगता है कि वो अपने जो साधना से प्राप्त चीज़ें हैं परिणाम है उसका लाभ दूसरों को दे।, दूसरे को दे तो इसको दे। बोलते हैं हम लोग कि अब उसकी साधना का लाभ समाज को मिलने लगा अच्छा। उसे तो मिल चुका अब वो समाज को देगा तो इस तरह की उसे पाँचवें वर्ष से लेकर सातवें वर्ष तक और पाँचवें वर्ष से लेकर नौवें वर्ष तक भी ये दो इसलिए आते हैं क्योंकि दो अलग अलग भाव हैं अलग अलग भाव मतलब आप बहुत लोअर लेवल पे जब जाके काम करते हैं तो आपकी साधना का फलीभूत होने का समय दो ही साल होता है अच्छा। जैसे आप रूरल एरिया में चले गए कि नहीं ऐसे लोगों के बीच में चले गए जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वहाँ आप दो ही साल में आपकी साधना फलीभूत हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे छोटा दायरा था बड़े में था तो नौ साल बाद या चार वर्ष बाद okay. पांचवें वर्ष के चार वर्ष बाद आपको परिणाम दिखेगा okay. अब ये परिणाम जब दिखता है तब आप उस साधना के माध्यम को और बड़ा कर लेते हैं okay. फिर आप नहीं होंगे अकेले hmm. फिर वहाँ पे आपके जैसे कई लोग खड़े हो जाएंगे okay. इसको बोलते हैं साधना ट्रांसफर करना बहुत सारे आपने विषय ऐसे सुने होंगे कि फला बहुत अच्छे साधक थे और उन्होंने अपनी पूरी तपस्या अपने शिष्य को दे दी तो पूरी तपस्या शिष्य को दे दी का मतलब कि आप साधना के उस जगह पे आके खड़े हुए जाओ तब आपको ईश्वर ने साधना के रूप में वो शक्ति दी कि आप इम्प्लांट कर सकते हैं अच्छा। और आपके जैसे कई लोग आप खड़े कर रहे हैं वो विस्तार होता है और वही अल्टीमेट है उस विस्तार के बाद फिर अनंत हो जाता है तो ये साधना करने के लिए कुछ शरीर में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत होती है अपने आप कुछ परिवर्तन हो जाता है इसके बारे में शरीर के सिर्फ तीन बिंदुओं को साधना का मुख्य वो माना गया सबसे पहला बिंदु है कि आपका शरीर सहज कैसे है okay. सहज मतलब आप आराम से बैठ के बहुत अच्छा महसूस करते हैं hmm. आप लेट के अच्छा महसूस करते हैं hmm. आप खड़े होकर अच्छा महसूस करते हैं आप चलते हुए अच्छा महसूस करते हैं जिस तरीके से आपका शरीर सबसे सहज हो वो साधना का सबसे पहला बिंदु आपको फॉलो करना है okay. और सहज का उद्देश्य क्या है कि जब आप एकदम कंफर्टेबल होंगे तभी तो आप कुछ और सोचेंगे तभी तो कर पाएंगे आ, सहज के बाद फिर आपकी शारीरिक अवस्था कितनी देर के लिए वैसी ही रह सकती है आ। आ, कितनी देर के लिए मतलब कोई व्यक्ति एक ही पोजीशन पे दो घंटे बैठ सकता है कोई एक घंटे बैठ सकता है कोई पंद्रह मिनट बैठ सकता है और कोई छः आठ घंटे बैठ सकता है तो आपको वो टाइम निर्धारित करना पड़ेगा okay. हम लोगों की दृष्टि में आधे घंटे का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना चार घंटे का जितना आठ घंटे का जी। मतलब समय काल का भी कोई अंतर नहीं है आधे घंटे चौबीस मिनट को हम लोग एक ऐसा समय मानते हैं जो सबसे रीजनेबल टाइम है बॉडी रिस्पॉन्स करती है चौबीस okay. मिनट में और तीसरा काम कैसे आपको आनंद की प्राप्ति होगी तो आनंद की प्राप्ति मतलब आप सबसे अच्छा महसूस करें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको शुद्ध वातावरण में बैठ के आ, सुबह के समय आ, सांस लेना अच्छा लगता है हाँ। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्राणायाम इनमें जा सकते हैं आपको लगता है आपको आंख बंद करके सोचने में अच्छा लगता है तो आप आंख बंद करके सोचिए किसी की फ़ोटो देखने से अच्छा लगता है कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो आप वो करिए तो सहज समय आनंद ये तीन क्रम है कि सबसे पहले आप सहज होइए फिर समय निर्धारित करिए और फिर आनंद के लायक चिंतन शुरू करिए शुरु। इसमें साधना जो है निरंतर करने की आवश्यकता है कि मतलब इसमें ब्रेक कभी क्योंकि इंसान बहुत चीज समाज से जुड़ा हुआ है कभी घर में किसी की कुछ हो मृत्यु हो जाती है तो आदमी फिर बारह तेरह दिन तो ये निरंतर करना कितना आवश्यक है कि अगर कहीं ब्रेक भी हो तो कितने दिन का ब्रेक हम उसको कर सकते इसमें साधना के बारे में आ, हम आपको बताएं ये साधना और जो समाज में कर्मकांड है दोनों में कोई संबंध नहीं है अच्छा समाज में जो कर्मकांड है कि, कि किसी की मृत्यु हो गई तो गैप हो गया या कोई अन्य कारण हो गया तो गैप हो गया या आज अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं इसलिए गैप हो गया या आज नवरात्र चल रहे हैं आज अच्छे दिन चल रहे हैं अब कर लो साधना इस साधना का वास्तव में समाज के कर्मकांड से कोई संबंध नहीं okay. ये साधना व्यक्ति की होती है समाज के सामंजस्य से ईश्वर की साधना है ईश्वर okay. मतलब उसका ना कोई रंग है ना रूप है ना किसी तरह की मूर्ति है ना किसी तरह का उसका आडम्बर है ईश्वर मतलब वो जो सिस्टम को चला रहा है चला रहा। उस ईश्वर से कनेक्ट होने की व्यवस्था साधना है हुँ. इस साधना के लिए कोई समय का निर्धारण नहीं है शरीर रिस्पांस करता हम बार बार बोल रहे हैं जैसे आप शरीर की रिस्पांस को देखना चाहें तो जब भी आप अपनी नाक के आगे उंगली लगाएंगे तो एक नथुने से आपकी पूरी सांस निकलेगी एक से आधी निकलेगी हम लोगों ने शरीर को नाड़ी के हिसाब से बांटा पूरे शरीर में चौंसठ हज़ार नाड़ियाँ हैं उनमें से मुख्य तीन नाड़ियाँ हैं इड़ा पिंगला सुषुमना तो शरीर रिस्पॉन्स करता है जिस समय इड़ा नाड़ी चल रही है उस समय आपका सूर्य स्वर चल रहा है पिंगला चल रही है चंद्रस्वर चल रहा है और जब सुषमना चल रही है तो दोनों स्वर चलने लगते हैं तो सुषमना नाड़ी साधना काल होता है नैसर्गिक रूप से आपका जैसे ही सुषमना चले तब आप आधे घंटे का समय दीजिए सर्वोत्तम काल होता है तो सर ये मेरा और एक प्रश्न है साधना से रिलेटेड है कि हम जब ये साधना करते हैं हमने कर लिया तो हम इसको कैसे ट्रांसफर करें हाँ। अपने बच्चों को या कोई आपके शिष्य हैं या कोई भी है हाँ इसको हम कैसे ट्रांसफर करें ये ज्ञान जो है हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं आगे बढ़ाएं ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि ज्ञान व्यक्ति के साथ चला जाए तो उससे फिर विकास रुक जाता है फिर अगला आदमी जीरो से शुरू करेगा फिर वहीं तक पहुँचेगा इसीलिए हम लोगों के यहाँ पारंपरिक रूप से ये था कि जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है उस ज्ञान को आप समाज में दे के जाए हम लोगों के यहाँ जो ये सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होता है उनको देने की बड़ी सहज प्रक्रिया रही है तो जैसे दस लोगों को हमने गाइड किया अब उन दस लोगों को हमने एक निश्चित स्तर तक आने का इंतजार किया क्योंकि हम एलिवेटेड हैं तो हम ये पढ़ पाते हैं कि कौन अच्छा आ रहा है हाँ। और कौन अच्छा नहीं आ रहा है जैसे टीचर होता टीचर। है जैसे क्लास में कौन अच्छा पढ़ हाँ टीचर जानता है कि किस स्टूडेंट्स में क्या कैपेबिलिटी है और वो उनकी रेटिंग भी कर लेता है कि कौन ज़्यादा अच्छा कौन कम अच्छा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया बहुत ही सामान्य है जैसे आप अपना हाथ देखते हैं तो इस पूरे हाथ में एक सिस्टम बना हुआ है अब ये सिस्टम क्या है कोई पामिस्ट आएगा वो उससे लाइफ पढ़ने लगेगा हाँ। कोई आर्टिस्ट होगा तो वो इसी हाथ से आर्ट करने लगेगा तो ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है पूरा सिस्टम जितना आप देखते हैं सब इसी इंस्ट्रूमेंट पे टिका हुआ है और इस इंस्ट्रूमेंट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप जैसे ही एलिवेटेड लेवल पे इस पे दूसरे को किसी को भी लाते हैं तो वो उसके सूक्ष्म शरीर और को कवर करने लगता है अच्छा जैसे सामान्य रूप से आप अपने बच्चे को गले लगा लीजिए बच्चा बुरा नहीं मानेगा आप अपनी वाइफ के गले लग जाइए बुरा नहीं मानेगा लेकिन एक थर्ड पर्सन खड़ा हो आप जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं वो पीछे की तरफ झुकता जाएगा कर क्योंकि एक प्राइवेसी जोन होता है उस प्राइवेसी जोन को जैसे ही कोई दूसरा क्रॉस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप बैक हो जाएगा पीछे चला जाएगा वो प्राइवेसी जोन ब्रेक करने की पावर बहुत कम लोगों में होती है okay. एक पिक्चर में जादू की झप्पी कहा गया उनको तो जादू की झप्पी का मतलब जो भी रहा होगा आ, निर्देशक का वो नहीं मालूम लेकिन उन लोगों के साथ में जो इससे एलिवेट हो चुके हैं हुँ. उनके साथ में वो और मर्ज होने लगता है और जब मर्ज होंगे तो उनको उनकी एनर्जी ट्रांसफर होती महसूस होती है okay. ये एनर्जी जो ट्रांसफर होती है इसी को साधना ट्रांसफर का रूप कहते हैं तो ये आप बहुत लोगों में भी कर सकते हैं लेकिन जब एक निश्चित लेवल के साधना के स्तर पे व्यक्ति आ जाता है तो वो उसको इजीली अडॉप्ट कर लेता है okay. हो सकता है आपको इस पूरी प्रक्रिया में दस साल लगे हों लेकिन जिस समय आप मर्जर करते हैं तो वो अगले सेकेंड से हुँ. वो उतनी एनर्जी अवेल करने लगता है हुँ. ये एनर्जी आप उस तरीके से समझिए कि समुद्र से अगर एक गिलास पानी निकाला गया तो समुद्र की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा और वो एक गिलास पानी जो निकला वो किसी का काम पूरा कर रहा होगा तो वैसे ही ये सूक्ष्म विज्ञान ऐसा है कि इससे आप कितने भी बार चीज़ें बांटेंगे आपकी चीज कम नहीं होती कम वो उतनी बनी रहेगी तो जो जादू की झप्पी हमने बोला वो जादू की झप्पी एक्चुअली हाथ के माध्यम से तुरंत ट्रांसमिट होती है और चूंकि बड़ा होता है तो व्यक्ति आएगा उस दायरे में तभी हाथ रख पाएगी तो दोनों की बॉडी ओवरलैप कर जाती हैं और फिर धीरे धीरे वो ट्रांसफर होता है इंसान जिंदगी भर साधना करता है और बहुत उच्च लेवल तक भी उच्च लेवल तक भी जाते हैं साधना करते हैं लेकिन जब उस व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाती है मतलब उस इस लोक को छोड़ के ऊपर लोग चले जाते हैं तो वो साधना क्या उनके साथ जाती है या वो साधना का फिर क्या होता है उसके बारे में जरा बताए साधक की मृत्यु पहले से पूरी तरह से उसके दिमाग में डाल ली जाती है कि कब मृत्यु होनी कब शरीर छूटना है अच्छा इसको साधना की दृष्टि में कहते हैं कि उसको इतना समय दिया जाता है कि वो अपने खून को पानी कर सके <laughs> खून को पानी करना साधना की पराकाष्ठा है तो उसके बाद उन लोगों की जितनी भी साधना का प्रभाव होता है वो जितना इस समाज को देना है वो उसे देते चले जाएंगे वो यहाँ से ट्रांसमिट होती जाएगी और अंत में उस शरीर को खाली कर दिया जाता है इसे कहते हैं खून को पानी करना एक टेंडेंसी कहला है कि आपने इतना समाज को दे दिया इतना दे दिया कि अब आपके पास बचा नहीं दे, कुछ देने के लिए उसका उद्देश्य था इस सृष्टि के लिए इस समाज के लिए इस धरती के लिए कुछ करना तो इंडिकेशन दे दिया जाता है तो इंडिकेशन की वजह से वो हंड्रेड परसेंट करके जाता है और उसके बगैर वो जाएगा ही नहीं तो सर आज आपने हमें साधना के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जो शायद हमारे बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा तो आप हमारे स्टूडियो में आए सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद तो आज के इस एपिसोड में हमने ये देखा कि साधना के लेवल में कैसे जाया जाता है साधना की शुरुआत कैसे की जाती है और कैसे वो उसके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा जाता है तो हम आपसे वादा करते हैं कि प्रकृति के रहस्य के अगले एपिसोड में हम कुछ और रहस्य उजागर करेंगे आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप अक्षरा वॉइस को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए निरंतर ऐसे वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन दबाना न भूलिएगा तब तक के लिए नमस्कार